नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज हमारी टीम पहुंच गई है लोकसभा क्षेत्र कौशाम्बी के सालेपुर की एक बस्ती है। और देखिए, हर क्षेत्र के हर बस्ती के जो मियाँ जी का मूड है उससे हमने आपको वाकिफ कराया है। तो आज हम यहां पर कौशाम्बी में जानेंगे कि लोकसभा जो चुनाव है उसको लेकर मियाँ जी का क्या मूड है, क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं इनके और किस किस मुद्दे को लेकर ये लोग अपने मतदान करने जाएंगे। करारी के हैं यहाँ जो है तो हम नमाज पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं 2024 के आपके, क्या मुद्दे को लेकर वोट करने जाएंगे? हमने ये देखा है कि अगर कोई सोता है, सोते वक्त अगर किसी को कोई कुछ काम पड़ता है बुलाता है तो आदमी उजलत की बुनियाद पर कहता है सुबह मिलेंगे, मगर हमने जब भी किसी काम के लिए उन्हें बुलाया है और पुकारा है तो उन्होंने हमारी आवाज को सुना और हमारे समस्या का समाधान भी किया। और दूसरी बात ये कि भाई ये पार्टी जो है हमारे मोदी जी की अच्छी बात है। देखिए, पहले कच्चे घर थे हम लोगों के और बहुत से लोगों के कच्चे घर थे, तो खबरेल हुआ करता था, उसको हम हर साल उसको बनाने में लगता था, फिर भी रात भर हम लोग जो है तो बहुत से गरीब लोग सो नहीं पाते थे, पानी बहता था और परेशानी होती, मगर ये जो कानूनी का काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया और गरीबों का भला किया। और बहुत सी राशन का है और क्या कहते हैं, जो लॉकडाउन में जो है तो हमारे मोदी जी ने जो कानून लागू किया और जो कि पूरी दुनिया में जो इसकी सराहना की जाती है और इसको देखा जाता है। बहरहाल, और मुझे ज्यादा नहीं कहना है कि हमारे जो मोदी जी हैं और हमारे विनोद सोनकर जी हैं ये काम अच्छा कर रहे हैं। बस एक शेर के साथ मैं अपने बात को खत्म करूंगा कि गैरों को मैं गंगो जमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते, और भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को हम, चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। विकास होता है और हमको उनको बहुत बड़ा धन्यवाद है। और हमारे विनोद सोनकर जी हमसे, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बाबा जी हैं जो, तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा काम दिखाए हुए हैं। हाँ, हमको उनको धन्यवाद है, ऐसी जगह से हम खत्म कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी पे लगातार अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात करने का आरोप है, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो काम मुसलमानों के लिए किया है, इससे पहले विपक्ष की जो भी पार्टियां रही हैं कभी भी मुसलमानों के हित में काम नहीं किया है। आप बताइए कि क्या मुस्लिम महिलाओं को तलाक़े सलासा को हटाकर उनको अधिकार देना, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? क्या मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देना, मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू करना, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? क्या मुसलमानों को राशन देकर उनके गरीबों को दूर, गरीबी को दूर करना, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? क्या मुसलमानों के भविष्य के बारे में सोचना, ये मुसलमानों के खिलाफ है? पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब नामांकन करने के लिए बनारस गए थे तो उन्होंने एक बाइट दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। क्या ये सोचना मुसलमानों के खिलाफ कहलाता है? भारतीय जनता पार्टी ये पहली सरकार है, पहली गवर्नमेंट है जो मुसलमानों के जमीनी स्तर पर जो मसाइल थे उनको दूर करने का काम किया है। मुसलमानों के अंदर, उनके अंदर से जो मुसलमानों की जो, उनके अंदर जो बेरोजगारी थी, जो शिक्षा की कमी थी, उनको दूर करके उनको तालीम से जोड़ने का काम किया, रोजगार से जोड़ने का काम किया, मुख्य धाराओं से जोड़ने का काम किया है। और जो ये लगा रही है सरकारें, मैं पूछना चाहता हूँ, ये समाजवादी की पार्टी की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, अगर मुसलमानों के साथ कुछ किया है तो मुसलमानों को दबंग बनाने का काम किया है, अपराध से जोड़ने के बाद उन पर हजारों हजार सैकड़ों सैकड़ों मुकदमे लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। तो इस समय जो मुस्लिम समाज है, खासकर जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज, वो हित कहाँ है, अहित कहाँ है, वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गया है। और आज मुस्लिम समाज माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और साथ ही हमारे जो विधान, हमारे जो लोकसभा में, लोकसभा कौशाम्बी में जो माननीय सांसद जी हैं उनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। अगर ऐसा सांसद अगर किसी को भी मिलेगा तो वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी नहीं देखेगा बल्कि सांसद देखेगा। क्या काम किया है आपके सांसद ने अब तक, क्या यहाँ पर आपकी बस्तियों में, या अगर मैं शहर की बात कर लूँ तो क्या काम कराया है सांसद? आप पहली बार कौशाम्बी में आई होंगी, अगर इससे पहले, अगर कौशाम्बी में आज से सांसद जी के पहले अगर आप कौशाम्बी में आई होती तो ये सवाल नहीं की होती।
इसलिए कि इससे पहले जो हालात थे कौशाम्बी के अंदर, जो सड़क से आप आई होंगी वो सड़कों में अच्छे आपको रोडें मिली होंगी, सारी चीजें मिली होंगी, लेकिन इससे पहले कौशाम्बी की हालात नहीं थे। हम लोग यही कौशाम्बी के रहने वाले हैं, कौशाम्बी में इससे पहले जो हालात थे, यहाँ हम मोटरसाइकिल तो जब चलाते थे यहाँ बहुत से टेम्पू या तो विक्रम वगैरह चलते थे, हम लोग देखते थे हम लोगों के घरों में एक दो विक्रम वगैरह चलते थे, जब वो चलते थे हर दूसरे तीसरे दिन उसी कमानी टूट जाया करती थी। क्यों टूट जाया करती थी? इसलिए इतने ही रोड खराब हुआ करती थी और कौशाम्बी में तमाम तरीके के काम, सरकार की जो भी योजनाएं थी माननीय विनोद सोनकर जी ने उन योजनाओं को यहाँ लाने का काम किया है। यहाँ जो ट्रेनें नहीं रुकती थी कौशाम्बी में, उन ट्रेनों को यहाँ रुकाने का काम किया, मेडिकल बनाने का काम किया, यहाँ बस स्टैंड बनाने का काम किया, और पहली बार कौशाम्बी में कोई बस डिपो नहीं थी, कौशाम्बी में बस डिपो को लाने का काम किया। तो सांसद जी के बहुत से काम है, अनेकों काम है जिनकी लिस्ट और जिनको गिनाया जा सकता है। तो मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी से खुटे, हम भारतीय जनता, क्या लगता है सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी देती है वैसा कुछ कर पा रही है, खरे उतर रही है अपने वादों पर? जी बिल्कुल, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस चीज पे एकदम खरी उतर रही है। इसके लिए हम लोग जो है आज ये जो एकत्रित लोग हैं, जो लोगों ने अभी अचानक देखा कि भाई यहाँ कुछ मीडिया के लोग आ गए, लोग सुनते ही जो है फौरन आ गए, जो अभी 10 साल से लगातार देश में हमारी सरकार चली उसके लिए हम लोगों के पास अल्फाज नहीं है। हम मुस्लिम समाज के लोग वो ये कह नहीं पा रहे कि हम लोग कितनी तारीफ करें। इससे पहले 17 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, राज किया, उसको अगर हम देख रहे हैं आज की जो हमारा देश है, जो हमारा डिजिटल इंडिया बन रहा है, जो मोदी जी ने जो जो कहा वो जनता के बीच में करके और काम करके दिखाया है। तो हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि हम लोग के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे जिले के सांसद आदरणीय श्री विनोद सोनकर जी पुनः यहां से सांसद बने। मुसलमानों को 18 करोड़ मुस्लिम लोगों को जो है तो आवास दिए गए हैं, तो और इसको जमीनी लेवल पर भी कौशाम्बी में तकरीबन 4 लाख मुस्लिम लोगों को जो है तो मकान दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो भी दावे किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है, अगर जो आरोप लगा रहे हैं उनको रिपोर्ट देखनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है 2024 के लिए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में माहौल चल रहा है पूरे देश में, और इंडिया की सरकार तीसरी बार फिर बनने जा रही है, हमारे RLD पार्टी से हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज इस सरकार से काफ़ी उत्साहित है। हमारे ज़िले के सांसद आदरणीय विनोद सोनकर जी बहुत ही ज़िले के लोकप्रिय सांसद हैं, उन्होंने सबको सम्मान दिया है, विकास किया है, सड़कों को जाल बिछा दिया है, और जो ठहराव यहाँ पे नहीं हो रही थी भरवारी में ट्रेन की, उसकी ठहराव होने लगी, प्रतापगढ़ में होने लगी, इस तरह के बहुत से उन्होंने अपने स्तर से काम करवाए हैं। और जो देश स्तर से है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबका साथ सबका विश्वास सबका सम्मान के तहत जो काम किया है, घर घर सबको राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराई है, सबको आवास दिया है, चाहे वो गरीब हो चाहे जिस समाज का हो, खासतौर से मुस्लिम समाज को ज़्यादा इसका लाभ मिला है। क्या लगता है कि सरकार कहती है मौजूदा सरकार के माफिया जो है माफिया राज खत्म कर दिया है पूरा और तुरंत एक्शन जो है लिया जाता है, माफियों पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, लगता है आपको कि ये सरकार गुंडा राज खत्म करने में कामयाब हो पाई है? जाहिर सी बात है कि अगर जो जैसा करेगा वो सब पाएगा, और दूसरी बात यह है कि ठीक है हमें ये चाहिए कि हम अपने मुल्क में जो है इत्तेहाद बरकरार रखें, और इत्तेहाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और तीसरी बात यह कि चाहे जो भी सरकार हो, जो समझदार है वो तो बिगड़े काम को सुलझाएगी बनाएगी, और हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। जी उधर पीछे आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अकबर अली। क्या लगता है आपको कि मौजूदा सरकार जो वादे करती है क्या उस पर खरी उतर रही है लगातार? हाँ खरी उतर रही है, अच्छा उतर रही है, बढ़िया। कौशाम्बी के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस समय कौशाम्बी की सरकार, इस समय हमारे जो हैं ये सोनकर जी, इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से वोट से मिलेगी, और सब लोग हम लोग सब साथी हैं, और सब उनके साथ सहमत में हैं, और सब उनके साथ अच्छे से चल रहे हैं हम लोग, हमको उनको जिताना है,
सब लोग स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी सरकार लगातार वादे करती है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो कौशाम्बी में क्या हालत है? उसकी हालत बढ़िया है, ठीक चल रही है। तुम्हें किस मुद्दे पर आप जाएंगे वोट डालने? आपके मुद्दे क्या करेंगे कौशाम्बी के? अगर मुद्दों के बारे में मैं जानना चाहूँ तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिसमें आप बदलाव चाहते हैं सरकार से? क्या आपकी मांग होने वाली है 2024 के लिए? हमारी मांग जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जी। ये अपील और हमारे जिले के सांसद आदरणीय श्री विनोद कुमार सोनकर जी से यही है कि जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और अच्छी बात है, वो हम युवाओं के लिए और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आगे चल के हम लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा आगे चल के, और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और भी जो है पहले सड़कों पे लाइटें नहीं थी, तमाम लाइटें लग गई, रोडें सही हो गई, और जो गांवों में कॉलोनी का जो है विकास आया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और कस्बों में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना आई, और पहले लाइट व्यवस्था ठीक नहीं थी, अब लाइटें जो है टाइम से आती है और कोई भी लाइट में दिक्कत नहीं रहती। और बस विपक्ष का कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ खास काम नहीं कर पाई है और मुसलमान भाई नाराज हैं इस सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नाराज नहीं है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं अपने उनके लिए, ऐसा ना कुछ नहीं है। जो भी मतलब जैसे कि कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर काम अच्छा कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर बहुत पकड़ के चल रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब भाई भाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई जातवादी नहीं है। हाँ, इस सरकार में कोई जातवादी नहीं, विपक्ष कह रहा लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, कोई जातवादी नहीं है। हाँ, हम लोगों को बहुत बड़ा सहारा मिलता है, हम लोगों को फ्री में राशन मिलता है, गैस सिलेंडर मिली है फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। गैस सिलेंडर मिली है? हाँ। आवास योजना का लाभ उठा पाए हैं? आवास योजना भी मिली है हम। हाँ। लोगों को आपको कच्चा घर, आपको पक्का घर मिला? हाँ, है जी जी। हाँ मिला है। अच्छा, आप उसी घर में रह रहे हैं? हाँ, उसी घर में रह रहे हैं हम लोग। अच्छा, और इसके अलावा? फिर इसके बाद सरकार बनेगी फिर हमको मिलेगा। हाँ, हमको विश्वास है। हाँ, दोबारा से अगर सरकार बनती है तो आपके लिए जो योजना है उस पर सरकार काम करेगी? करेगी, विश्वास है हमको। अच्छा, सुरक्षा की अगर बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार ने खासा काम किया है, कहती है कि पहले जो गुंडा राज चलता था महिलाओं का दुश्वार था घर से निकलना, लेकिन जब से ये सरकार आई है महिलाओं के लिए काफी काम किया लगता है आपको? हाँ, अच्छा काम किया है गुंडा। पहले तो गुंडे सपा की सरकार, बसपा की, सपा की सरकार हो बसपा की सरकार हो, ये खुलेआम आतंक करते थे। अब तो एनजी की सरकार में भी जी जी आपके सरकार में गुंडे या तो जेल में है या तो पैर में गोली मार दी जाती है जी। और सारी सुविधाएं मिल रही, लाइट बराबर मिल रही है, आवास मिल रहा है, रोड रास्ता सही है, और हमें क्या चाहिए? और क्या चाहिए? देखिए, घर घर में जो है तो पाइप का पानी का इंतजाम है, टंकी भी आ गई, और इससे पहले ये सब तो नहीं था, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब तो सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो रही है। और भी अगर वक्त आएगा, अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे और हमारे क्या कहते हैं कौशाम्बी के जो हमारे सांसद जी वगैरह और सब आएंगे तो फिर और हमारी समस्या जो है सब दूर हो जाएगी। हमारे सालेपुर में हर मुसलमान भाइयों के साथ बढ़िया काम किया है, हम सोच रहे हैं फिर तीसरी बार भी जीते, हम यही कहना चाहते हैं बस, सबका साथ सबका विकास। ऐसे भी कोई उसमें जैसे कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, मुस्लिम समाज को मतलब लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये सब कहने की बात है? आज के टाइम पे 40% मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और धीरे धीरे जैसे अब की का जो चुनाव का माहौल चल रहा है, अगली बार अभी 40% है तो अब की चौथी बार समझ लो 60% 80% पे पहुंच जाएंगे मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम तो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रहे और उन्हीं के साथ रहेंगे और उन्हीं के उसमें रहेंगे। जो कहा ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, उन्हीं के साथ हमको रहना है, सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास, सबका विश्वास, अब वही सब हमारे फिर 400 पार जाएं। क्या लगता है
यही लगता है। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार तो छोड़िए, 200 पार जाना मुश्किल है। अरे नहीं, वो तो गलत कह रहा है, वो सब कहने वाला कहता है, वो तो उनको दिखाई दे रहा है, वो कहेगा झूठ को कहेगा, ये तो सच है 400 पार जाना है। अब हमारे जो है सोनकर जी, वो बहुत हम उनसे मिलते जुलते हैं। ये दो बंदर पहले भी आए थे, ये कोई नए बंदर नहीं है, और उन बंदर ने क्या खेल किया था ये सारे लोगों ने देखा था। कांग्रेस कहती है कि अल्पसंख्यक भाइयों के लिए बहुत कुछ है उनके पास, और बड़ा आश्वासन लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से आपके लिए दिया जाता है। 70 सालों से क्या दिया, मैं तो अभी युवा हूँ, नौजवान हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं 70 साल से। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 70 साल इस देश में राज किया है, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि 70 सालों में कांग्रेस ने इनको क्या दिया है। कांग्रेस ने इस देश में मुसलमानों को ठगने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो किसके दौर में आई थी, वो कांग्रेस के दौर में आई थी, और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि मुसलमानों की जो माली व आर्थिक जो हालात भारत के अंदर है वो दलितों से भी बदतर है। मैं पूछना चाहता हूँ किसकी सरकार में आई थी। 70 सालों तक इस देश में कांग्रेस राज करने के बाद मुसलमानों को जमीनी स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। अगर कुछ बनाने का काम किया है तो माफिया बनाने का काम किया है, दबंग बनाने का काम किया है, और सैकड़ों मुकदमे उन मुसलमानों पर लाद कर उनको जेल में डालने का काम किया है। इससे पहले की जो सरकारें थी, तो हम जब रिपोर्ट देखते थे मुसलमानों के जेल में, तो इसमें 33% 34% ये तादाद होती थी कि मुसलमान जेल के अंदर सड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, मैं दावा करता हूँ, आप कहीं भी रिसर्च करके देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है जेलों में मुसलमानों की तादाद जाने की कम हुई है, ये रिपोर्ट है। तो भारतीय जनता, मैं कहता हूँ देखिए, माँ वो अच्छी होती है कि अगर बेटा कुछ गलत कर रहा है तो माँ उसको रोकती है, ना कि माँ उसको आश्वासन देती है बेटा और गलत करो। यहाँ जो पार्टियां विपक्ष की रही है वो मुसलमानों को जो है तो जो गलत कर रहे थे उनको और गलत करने के। विपक्ष तो ये कहता है कि माफियों पे जो कमर कसी गई है और जो जिस तरीके से माफियों को सजा दी जाती है, वो जो तरीका है मौजूदा सरकार का वो गलत है। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा ये तुरंत एक्शन वाला जो नो टॉलरेंस वाली जो नीति है बीजेपी सरकार की, वो तरीका कांग्रेस वालों को और विपक्ष को कुछ मतलब खासा पसंद नहीं आता है। जो अभी हमारे साथी जो हैं, जो मौलाना शेख रजा हबीबी जी अभी जो बता रहे थे, उनका मकसद ये है, उनका मकसद ये नहीं है भाई पेट में दर्द किसको होता है जिसे खाना नहीं हजम हो रहा है। तो अब उनकी जो सत्ता की रोटी थी वो उनके हाथों से जा चुकी है, और वो कितना भी पब्लिक सीम जितना भी बहकावा कर ले, इस बार 400 पार जाना है और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विपक्ष जो है अब कंबल लोटा ले और कहीं चले जाके गंगा स्नान करे, और जब पवित्र हो जाए फिर 5 साल बाद आके हम लोगों से मिले और सीखे नरेंद्र भाई मोदी से। भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है, जो आप लोगों का जो चलने का जो सरकार चलाने की जो ढंग है, अभी नरेंद्र भाई मोदी से राहुल गांधी जी और प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पाठ लें और ट्यूशन लें, और ट्यूशन सी पढ़े, उसके बाद फिर वो कहीं सांसद विधायक लड़ाने का काम करें। इस बार समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी अखिलेश यादव का बोरिया बिस्तर बन गया है। अब की से दोबारा जो है ना कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा, वो असल में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं जी। अभी हमारे मंडल में अगर माफियाओं की बात कही जाए, अतीक अहमद को माफिया बनाया मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह यादव कहते थे तुम मेरे बेटा हो, मेरे लिए काम करो, और जब बेटा बाप बन गया तो जब मुलायम सिंह के बेटा तैयार हुए तो उन्होंने सोचा कि तो बाप का हमारे भाई चच्चा है, और अगर चच्चा रहेगा तो भतीजे का काम खत्म है। वो सदन में मुद्दा उठाया, अतीक अहमद को निपटवा दिया गया। ये कौन किया है? अखिलेश यादव किया है। मुसलमान और मुस्लिम समाज से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जैसे जो देश में हमारे प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोगों को विधायक भी बनने मत दो, नहीं अतीक अहमद तुमको भी बनाया जाएगा। अब बाद में जब अखिलेश यादव के बेटे आएंगे फिर अतीक अहमद जैसे तुमको भी निपटा दिया जाएगा। तो हमें जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने, जो हमारी देश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमें माफिया बनने से रोका जा रहा है, तो
हमें माफिया गिरी से और माफियाओं से मिलने से रोका जा रहा है। हमारे बच्चों को शिक्षित बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे बच्चे भी आईएएस हों। अभी देखिए हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी भाई की सरकार थी, 51 यूपीएससी में मुस्लिम बच्चे बच्चियां कामयाबी। उससे पहले आप बताइए, कांग्रेस बताए, आपके सरकार में आपके समय 17 साल में आपने कितने ऐसे डीएम और डीएम बनने दिया हमको? आज हमें मौका मिला है, हम अपने समाज से, अल्पसंख्यक समाज से हम लोग सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि उठो, जागो और अपने हक की लड़ाई लड़ो, हक की बात कहो। तो हमने आपको दिखाया कि कौशाम्बी के मियाँ जी का क्या मोड़ है। देखिए इन्होंने हमारे साथ अपने सारे मुद्दे बताए कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं कौशाम्बी में, वही सरकार से इनकी क्या मांगे भी बताया, सरकार ने इन्हें किस किस योजना का लाभ दिया है ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है। वही आगे भी अगले क्षेत्र में जाएंगे, अगले लोकसभा क्षेत्र से आपको बताएंगे कि मियाँ जी का मूड क्या है। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मैं नैना शर्मा, कैमरा पर्सन राज के साथ, न्यूज़ 1 इंडिया।